Hello students, in this video what I used to do is that I discuss some words on a regular basis which I think you should know the meaning of from the Hindu newspaper. So the people who are curious about knowing new words every day and are eager to learn new words every day can go through this video. So without wasting any of your time, let's start the video. So the first word for today is abbot. It means a man who is the head of an abbey of monks. जो संत लोग होते हैं ना उनका जो हेड होता है दैट इज ही इज कॉल्ड अबॉट फॉर एग्जाम्पल इन ऑगस्ट 1177 वी नो दैट ही वॉज अबॉट ऑफ द मोनेस्ट्री ऑफ क्रैसो नियर मार्टिनो हमें पता है कि ऑगस्ट 1177 में वो मोनेस्ट्री ऑफ क्रैसो का हेड था सिनोनिम्स हैं फ्रायर मॉन्क एंटोनिम्स एंड नोवेस एकोलाइट नेक्स्ट वर्ड इज सेम्बलेंस इट मीन्स The state of being somewhat like something but not truly or fully the same thing. Means ऐसा चीज़ जो लग रहा है कि है but that's not the complete thing. Means वो पूरा चीज़ नहीं है कुछ तो छुपा हुआ है For example, a used car dealer with only a semblance of honesty. Means जो कार का यूज़र था उस वो जो कार में डील करता था used car में डील करता था उस पर हम भरोसा बस ठीक है कर सकते हैं but completely पूरा नहीं कर सकते सिनोनिम्स है एयर स्कैटर्ड डिस्गाइज एंटोनिम्स है कॉन्ट्रास्ट रियल नेक्स्ट वर्ड इज पग्नेसियस इट मीन्स ईगर और क्विक टू आर्ग्यू क्वारल और फाइट मीन्स झगड़ा करने के लिए बेताब रहना फॉर एग्जाम्पल द इंक्रीजिंगली पग्नेसियस डेमेन्योर ऑफ राइट विंग पॉलिटिशियंस मीन्स जो पॉलिटिशियंस हैं वो मीन्स ऐसा लगता है जैसे वो ईगर मीन्स दे आर लाइक वेटिंग फॉर आर्ग्यूइंग Synonyms are combative, aggressive, antagonistic, belligerent. Antonyms are peaceable, friendly. Next word is castigate. It means to criticize severely or angrily, especially for personal failing. Means किसी को किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलना. Just इसलिए क्योंकि आप उससे गुस्सा हो. कोई personal reason के कारण. For example, they castigated him for his constant tardiness. उसने वो उसका criticize करता है. जस्ट बिकॉज वो गुस्सा है उससे या फिर उसे पसंद नहीं है सिनोनिम्स हैं बिरेट कैस्टेस च्यू आउट एंटोनिम्स हैं सेलिब्रेट फ्रेज लाउड नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्नेट इट मीन्स हाईली डेकोरेटेड मीन्स बहुत ही ज़्यादा सजाया हुआ फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्नेट गैम्बलिंग कैसीनो दैट इज डिजाइन टू लुक लाइक एन इटालियन प्लेस मीन्स इटालियन पैलेस जो होता है ना जो इटालियन महल होती हैं उनकी तरह उसकी तरह पूरा जो एक कसीनो है जहाँ पे गैम्बलिंग वगैरह होता है उसको सजा रखा है बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट कर रखा है मतलब सिनोनिम्स हैं बी डिजाइंड जिंजर रेड एंटोनिम्स है प्लेन सिंपल बेयर नेक्स्ट वर्ड इज ओस्ट इट मीन्स टू ड्राइव और फोर्स आउट मीन्स किसी को ज़बरदस्ती कुछ करने के लिए बोलना फॉर एग्जाम्पल शी वॉज ओस्टेड फ्रॉम हर जॉब आफ्टर इट वॉज प्रूवन शी हैड बीन स्मगलिंग कंपनी सप्लाईज उसे जॉब से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया क्योंकि पाया गया था कि वो स्मगलिंग करती है मीन्स कंपनी का सामान कहीं और देती है सिनोनिम्स हैं बैनिश कास्ट आउट डिसमिस एंटोनिम्स हैं अपॉइंट एडमिट किप सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो विल बी बैक विद सम मोर वर्ड्स इन माई नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू गाइज हैव एनी सजेशन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट ऑन बिलो थैंक यू